Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Issue of Shares, that is Accounting for Share Capital. So let's get started from question number 32. इससे प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं. रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड. ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि किसने किसका बिजनेस लिया है. तो इस लाइन को पढ़ के मुझे ये पता लगा कि जो रैंडम लिमिटेड है उसने बिजनेस लिया है किसका, मैच्योर लिमिटेड का. ओके, अब मैच्योर लिमिटेड का जब उसने बिजनेस लिया तो उसमें क्या क्या था स्टूडेंट, एसेट थे 45 लाख के, लाइबिलिटीज थी 6,40,000 की, और परचेज कंसिडरेशन कितनी दी है उसने, 36 लाख की दी है. मतलब इतने अमाउंट में ख़रीदा है, एसेट 45 लाख के थे और लाइबिलिटीज 6,40,000 रुपये की थी. अमाउंट वॉज सेटल्ड बाई बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1,50,000. अब देखो इतना पैसा तो हमें, अब देखो हमें पता लग गया उसने क्या क्या लिया है, एसेट्स लिए हैं, लाइबिलिटीज़ ली हैं, और ये एक पर्टिकुलर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट था जो कि उसने पे करना था. अब वो आपको ये बता रहे हैं कि ये पैसा उसने दिया किस तरीके से, तो कैसे दिया. पहले तो बैंक से उसने 1,50,000 रुपये दे दिए और बाकी का जितना भी बैलेंस बचा वो उसने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, और वो भी 15% के प्रीमियम पे. तो प्रीमियम के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे एंट्रीज पास करके दिखानी है. तो देखिए स्टूडेंट, पहले मेरी चीज़ समझिए. अगर मुझे सबसे पहले मैं ये देखूँ, मैं एंट्री अगर पास करने के लिए जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे पहली एंट्री ये करनी पड़ेगी कि वो क्या क्या ले रहा है. ठीक है, तो पहले मैं आपको सीरियल वाइज जैसे हमें क्वेश्चन पेपर में करना है ना, बिल्कुल वैसे करके दिखाती हूँ. तो मान लो हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन पॉइंट. अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ उसने लिया क्या. आप बोलोगे मैम एसेट्स लिए हैं. अब अगर मेरी फर्म में एसेट्स आएंगे तो मैं उन्हें क्या कर दूंगी स्टूडेंट, डेबिट कर दूंगी. अब आप बोलोगे मैम आपको ये कैसे पता कि आपको एंट्रीज रैंडम लिमिटेड की बुक्स में करनी है, तो ये क्वेश्चन में लिखा है. तो हम ये जो भी एंट्रीज कर रहे हैं ये रैंडम लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं. रैंडम लिमिटेड कौन थी, जिसने ख़रीदा था. ठीक है, तो उसने एसेट्स लिए तो उसकी फॉर्म में एसेट्स आए तो डेबिट हो गया. उसने साथ में लाइबिलिटीज़ भी ली हैं, तो लाइबिलिटीज़ आती हैं तो क्या हो जाती हैं स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाती हैं. उसके बाद स्टूडेंट हमें उसने बताया है कि मैच्योर लिमिटेड को कंसिडरेशन भी देनी है. तो कंसिडरेशन देनी है मतलब अभी जब देनी है तो इट मीन्स वो आपकी लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी है तो मैंने किस साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड पर लिख दिया. ठीक है, तो देखो एसेट्स कितने के थे, आप बोलोगे मैम 45 लाख के. फिर लाइबिलिटीज़ कितने की थी, तो 6,40,000 रुपये की. और कितनी परचेज कंसिडरेशन थी, तो 36 लाख की परचेज कंसिडरेशन थी. अब आप बोलेंगे कि मैम ये क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल तो सेम ही नहीं आ रहा, ये तो अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने गलत किया है. तो स्टूडेंट देखो ऐसे केस में जब हम परचेज वाली एंट्री करते हैं तो अगर आपका डेबिट साइड छोटा पड़े तो आप वहाँ पे गुडविल लिख देंगे, और अगर आपकी क्रेडिट साइड छोटी पड़ती है तो उस केस में वहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता है. अब यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड छोटी पड़ रही है, मतलब मैंने क्या लिया है साथ में, कैपिटल रिजर्व. समझ में आया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अगर इस साइड छोटा पड़ रहा होता तो हम क्या लिखते हैं, गुडविल. इस साइड पड़ रहा है तो क्या लिखा, कैपिटल रिजर्व. और जितना भी बैलेंस आपका नहीं मैच कर पा रहा था, कम पड़ रहा था, 2,60,000 मैंने वो लिख दिया. तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी रही हूँ कि ये बैलेंसिंग फिगर आई है. बैलेंसिंग फिगर मतलब 45 लाख में से 6,40,000 और 36 लाख को हमने माइनस किया, और फिर जो बचा वो कैपिटल रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में लिखा है. तो अब हम क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस परचेस्ड. अब हमने बिजनेस परचेज कर लिया, समझ में आया. अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, उन्होंने बोला था कि उसने बैंक के थ्रू भी कुछ पे कर दिया है. बैंक के थ्रू, देखो अब मेरी लाइबिलिटी है मैच्योर लिमिटेड की, अगर मैं उन्हें पे करूंगी तो मैं उनके अकाउंट को डेबिट करके अपनी लाइबिलिटी कम करूंगी और अपने बैंक में से पे करूंगी. बैंक मेरा एसेट है, अगर मेरा एसेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा. तो वही मैंने किया, 1,50,000 रुपये मैंने पे करे. समझ में आया आपको, मैंने दोनों चीज़ों का रीज़न बताया, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. फिर हमने क्या किया है, 1,50,000 पे करे हैं. किसके थ्रू पे करे हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू. ओके, वो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ड्राफ्ट क्या होता है मैम, हमें सोचना नहीं है इतना. ठीक है,
चलिए अब देखो मेन बात आती है स्टूडेंट प्रेफरेंशियल। ये देखो क्या होता है क्वेश्चंस में, अगर हमें डायरेक्टली बता रखा हो कि इतने नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल तो हम फटाफट कर लेंगे, तो क्या हमें पता है कि प्रीमियम पे देना है, हम फेस वैल्यू में जोड़ेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। बट इस क्वेश्चन में मज़े की बात यह है कि यही नहीं बताया हुआ कि प्रेफरेंशियल कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल इशू किए गए हैं, तो पहले वो पता लगाना ज़रूरी है। तो अब आप ये कैसे पता लगाओगे? देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप बोलोगे मैम हमें तो 36 लाख रुपीज़ पे करने हैं ना मैच्योर लिमिटेड को, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इट मीन्स ये वाला अमाउंट आएगा। यही आता बट 1,50,000 रुपये जो बैंक के थ्रू पे करे हैं वो कम तो कर लो, बार बार थोड़ी पे करेगा वो। अगर उसने बैंक के थ्रू 1,50,000 रुपये दे दिए हैं तो वो हटा लो, अब बाकी का सारा कैसे देंगे? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बैलेंस, मतलब पूरे अमाउंट में से 1,50,000 उसने बैंक में से दे दिया और बाकी का जितना भी बैलेंस बचा उसके लिए वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी कि जब 1,50,000 रुपये दे दिए तो बाकी का बैलेंस ये आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम प्राइस, देखो प्राइस तो 100 रुपये था बट साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 15% भी लेना पड़ेगा। क्यों लेंगे 15%? क्योंकि तो प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है और 15% का प्रीमियम था, फेस वैल्यू पे ही निकालते हैं ना। तो देखो अगर मैं माइनस करूं तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3,451,234 और नीचे देखिए क्या आएगा 100 प्लस 15 115। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, 30,000 शेयर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शेयर्स निकालना, शेयर्स निकाले बिना हो ही नहीं सकता। और अगर बहुत बच्चों के लिए क्वेश्चन अटकता है तो वो सिर्फ इस पार्ट के लिए अटकता है, बाकी का सबको आता होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, मैच्योर लिमिटेड के अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्यों? तो क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी थी, हम उसे पे कर रहे हैं, तो अगर पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी को कम करेंगे और लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। कैसे कम कर रहे हैं? हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ पे आता है, हमारी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में आता है, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड पर लिखा जा रहा है। यहाँ पे फेस वैल्यू आ जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आ जाएगा, राइट। तो देखिए किस तरीके से आएगा स्टूडेंट, 30,000 हमारे शेयर्स थे, ठीक है। तो 34,50,000 इतने पैसे हमने टोटल इसको देने थे, इतनी लायबिलिटी हमारी बची थी। तो हम कैसे पे करेंगे? हमने कहा 30,000 नंबर ऑफ शेयर हैं, फेस वैल्यू यहाँ आ जाएगी और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, यानी कि 30 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ जाएंगे और 4,50,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे कि बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड टू मून लिमिटेड फ्रॉम होम एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड। हमने 2,000 इक्विटी शेयर 10 ईच पे इशू किए हैं, तो इस बार देखो अच्छा ये हो गया कि उन्होंने हमें नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए हैं, फेस वैल्यू बता दी है, ठीक है। और वो हमें कह रहे हैं कि एसेट्स हमने लिए कितने, 25,000 रुपये के लिए हैं। अब देखो सबसे पहले अगर मैंने एसेट्स लिए और मेरे पास एसेट्स आ गए, तो एसेट्स आते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब मुझे मून लिमिटेड को पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, लायबिलिटी बनाने के लिए क्रेडिट। अब देखो 25,000 के एसेट लिए और उसने बोला है कि 20,000 रुपये हम दे रहे हैं, मैम कैसे पता लगा? देखो 2,000 × 10 क्या आएगा, 20,000 रुपये ही आएगा। तो आप बोलोगे फिर से लायबिलिटी सॉरी डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में मैच नहीं कर रही। तो मैंने बताया था कि अगर क्रेडिट साइड छोटी पड़ जाती है तो बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि 5,000 रुपये कैपिटल रिजर्व से आएंगे, ये बैलेंसिंग फिगर होती है, मतलब जो अमाउंट दोनों के बीच में मैच नहीं कर रहा होता उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। तब हमने क्या किया, एसेट्स परचेज करे, तो बीइंग एसेट्स परचेस्ड। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, देखो अब मुझे पे करना है, अगर मैं पे करूँगी तो मैं अपनी लायबिलिटी कम करूँगी, तो कम करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, ओके। तो देखिए स्टूडेंट हम कैसे पे कर रहे हैं, 2,000 शेयर 10 ईच पे कर रहे हैं, यानी कि 20,000 रुपये दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू, ठीक है। तो डायरेक्टली आ गया, इस बार कोई भी क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर्स इशूड
एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपये पे इशू किए थे ना। अब देखिए 34 क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमृत धरा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुली पेड अप कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरे को क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आया, पहले तो मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, तो अगर एसेट मेरी फॉर्म में आएगा तो डेबिट हो जाएगा। वेंडर्स मतलब जिससे खरीदते हैं ना उसको वेंडर्स कहते हैं, तो मैंने खरीदी है और कितने रुपए की खरीदी है, तो आप बोलोगे कि 1 लाख रुपए की खरीदी है। तो हमारी नरेशन में क्या आ जाएगा कि बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड, ये हुआ है परचेस कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, सिंपल सा है, पहले एसेट खरीदेंगे फिर लायबिलिटी हम लोगों ने बना दी होती है, अब लायबिलिटी को पे करना है। तो वो जिस भी तरीके से बता रहे हैं कि बेशक प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, बैंक के थ्रू पे किया है, या इक्विटी शेयर इशू करे हैं, वो आपको बस एंट्रीज वहाँ पे पास करते जाना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इससे ईजी क्वेश्चन नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। अब देखो मुझे उन्हें पे करना है, तो देखो अब जब मैं उनको पे करूँगी तो मैं लायबिलिटी कम करूँगी, तो मैंने वेंडर्स अकाउंट डेबिट करके लायबिलिटी को कम किया बिकॉज अब मैं उन्हें पे करने जा रही हूँ। कैसे पे करूँगी, इक्विटी शेयर इशू करके, है ना। और उन्होंने बोला है कि इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा इस पर, है ना। तो अब देखो स्टूडेंट आप बोलोगे मैम अमाउंट कैसे पता लगेगा, तो देखिए 800 शेयर 100 ईच के थे, तो देखो फेस वैल्यू कितनी है 800 × 100, और प्रीमियम भी उन्होंने आपको बताया हुआ है, तो प्रीमियम उन्होंने बोला हुआ है कि 25% का प्रीमियम है। तो अगर आप 100 रुपये का 25% करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये का यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है। ओके तो यहाँ आ गया 20,000 रुपीज़, यहाँ आ गया 80,000, और टोटल उसकी लायबिलिटी भी 1 लाख रुपये की ही थी, तो हमने उसको पे कर दिया, राइट। तो देखो क्या बन गया, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करे है ना हमने, बस। तो सेम ही तो क्वेश्चन चलते आ रहे हैं अभी तक के, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी अलग चीज़ दिखी, नो, ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर एंड वेरी वेरी इजी। अब 35 क्वेश्चन में क्या लिखा है, जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सी डे लिमिटेड, द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाई इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। फिर वही बात आ गई, देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो एसेट लिया है उसे लिखोगे। तो मैंने क्या लिया है एसेट में, मैंने लिया है एक फर्नीचर, तो अगर फर्नीचर मेरी फॉर्म में आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और लिया किससे है, सी डी लिमिटेड से, तो अब मेरे को उसको पे करना है, वो मेरा क्रेडिटर बन गया है, तो अगर मैं पे करूँगी तो मैंने लाइबिलिटी बनाने के लिए उसे क्रेडिट कर दिया, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, कितने रुपए का फर्नीचर लिया है, 2,20,000 रुपये का, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी डी लिमिटेड को अपने क्रेडिटर को पे करना है। तो हम कैसे पे करेंगे, तो आप बोलेंगे मैम उन्होंने बोला हुआ है कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, क्या बोला है कि प्रीमियम पे इशू करना है, तो यस बिल्कुल प्रीमियम पे इशू करना है, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने रुपये दे रहे हैं, 2,20,000 रुपये देने हैं। अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो स्टूडेंट अगर मैंने क्वेश्चन में देखा तो इस बार मुझे ये नहीं बताया हुआ कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो फिर से मैं अपना यही फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो कितने पैसे मुझे उसको देने हैं, आप बोलेंगे 2,20,000 रुपये देने हैं। क्या मेरे को प्राइस ऑफ शेयर पता है, तो बिल्कुल पता है कि 100 रुपये का फेस वैल्यू है और 10 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि अगर 2,20,000 और डिवाइड में 110 करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, देखिए 2,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, समझ में आया। तो सेम वही क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी चेंज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो 2,000 और 100 रुपये की इश्यू प्राइस हो गया, और 2,000 × 10 ये प्रीमियम का अमाउंट हो गया, यानी कि 2,00,000 रुपये यहाँ पे आ गए और 20,000 रुपये यहाँ से आ गए, राइट। तो हमने क्या किया है, बीइंग 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया है ना, तो वो लिख दिया, ओके। देखिए स्टूडेंट करते जाइए, कोई भी दिक्कत होती है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो कि हो सकता है आपके माइंड में कोई छोटा सा कोई भी डाउट आ रहा हो, तो यू कैन आस्क मी, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
गुडलक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख। ओके, अब कैसे पे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर इश्यू करके 25% के प्रीमियम पे। सेम वही बात, सबसे पहले क्या लिखोगे? मशीनरी। मशीनरी एक एसेट है, अगर वो मेरी फॉर्म में आ रही है तो मैं उसे डेबिट करूँगी। किससे खरीद रहे हैं? फेयर डील्स लिमिटेड से खरीद रहे हैं। अब वो हमारी लायबिलिटी बन गई है, क्रेडिटर बन गया है, तो उसे क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए का लिया है? 10 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी है। ओके, तो नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग मशीनरी परचेस्ड। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे क्या करेंगे? नेक्स्ट में अब हमें उसे पे करना है, तो मैंने क्या लिखा? फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो कि पहले मैंने उसे अपना क्रेडिटर बनाया था, अब मैं ख़त्म करूँगी तो मैं उसको क्या कर दूँगी? डेबिट कर दूँगी। क्या प्रीमियम बोला हुआ है? तो बिल्कुल बोला हुआ है। इट मीन्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट? कितने रुपए देने हैं? तो 10 लाख रुपए हमें उसे पे करने हैं। क्या नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए हैं? तो मैंने क्वेश्चन में देखा तो मुझे नहीं बताए हुए, तो क्या करना पड़ेगा? अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 10 लाख रुपए हमें पे करने हैं। और इश्यू प्राइस क्या है स्टूडेंट? तो इश्यू प्राइस क्या है? 25 रुपये का प्रीमियम है। यानी कि देखो, 10 का 25% अगर हम करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2.5। यानी कि 10 रुपये की फेस वैल्यू और 2.5 रुपये का प्रीमियम, यानी कि देखो क्या बन गया, ये आ गया 12.5। तो अगर आप 10 लाख को 12.5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 80,000 शेयर निकल के आ जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब देखिए, 80,000 इंटू में 10 रुपये एंड 80,000 इंटू में 2.5 रुपीज़ का आपका क्या है? प्रीमियम है। तो देखिए यहाँ कितना आ गया? 2 लाख रुपये। और यहाँ कितना आ गया? 8 लाख रुपये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? बीइंग इक्विटी शेयर्स इशू दैट प्रीमियम। तो ये अब तो स्टूडेंट कोई दिक्कत आएगी नहीं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं, कुछ भी चेंज हो ही नहीं रहा है सिवाय वैल्यूज़ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है? राजन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स, 5 लाख रुपए के एसेट्स लिए हैं, 1 लाख बैंक के थ्रू दे रहा है और बाकी के इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, वो भी प्रीमियम पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। सबसे पहले मेरे पास एसेट्स आए, एसेट्स आएंगे तो डेबिट हो जाएंगे। किससे लिए? गीता एंड कंपनी से लिए, तो वो मेरी अब लायबिलिटी बन गया, क्रेडिटर बन गए, तो मैंने उन्हें क्रेडिट कर दिया। और नरेशन क्या आ गई? बीइंग एसेट्स परचेस्ड। कितने रुपए के एसेट्स लिए हैं? तो 5 लाख रुपए के हमने एसेट्स लिए हैं। अब हम उन्हें पे किस तरीके से कर रहे हैं? बैंक के थ्रू। तो अगर मेरी लायबिलिटी कम होगी तो मैं डेबिट करके अपनी लायबिलिटी को कम करूंगी, और बैंक मेरा एसेट है, बैंक के थ्रू पे करूंगी, बैंक कम होगा, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करूंगी। कितने रुपए बैंक के थ्रू दे रहे हैं? तो 1 लाख रुपए हम बैंक के थ्रू दे रहे हैं। तो बीइंग बैंक ड्राफ्ट इशूड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे? अब बाकी का बैलेंस उन्हें पे करना है। तो गीता एंड कंपनी है ना, तो अगर मुझे इन्हें पे करना है स्टूडेंट, मतलब लायबिलिटी कम करनी है, तो मैं उनको डेबिट करूँगी। क्लियर? किस तरीके से इशू करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू और सिक्योरिटी प्रीमियम भी, तो कि प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है ना। तो कितने रुपए देने हैं? 5 लाख में से 1 लाख तो दे दिए, यानी कि 4 लाख रुपए देने हैं, है ना। तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में है? तो आप बोलोगे नो मैम, नहीं है। इसका मतलब पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 4 लाख रुपए मुझे देने हैं, डिवाइड में आएगा प्राइस, तो 10 रुपये और 25% प्रीमियम है, यानी कि 2.5, यानी कि 4 लाख डिवाइड बाय 12.5। तो कितने नंबर ऑफ शेयर आ गए? 32,000 शेयर्स आ गए। तो वही सेम चीज़ अब हमने यहाँ पे लिख दी। देखो 32,000 शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू और 32,000 शेयर 2.5 रुपये का प्रीमियम, यानी कि 3,20,000 रुपये यहाँ आ गया और 80,000 रुपये यहाँ पे आ गया। तो क्या नरेशन बन गई? कि बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, दैट्स इट, राइट। चलिए 38 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कि सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 लाख, ठीक है, मोना लिमिटेड से लिया है, 20% अमाउंट चेक से ले रहे हैं और बाकी का इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मशीनरी ली, तो मेरे पास एक एसेट आया, तो मैंने उसे डेबिट कर दिया।
लिया किससे? मोना लिमिटेड से, तो वो मेरा क्रेडिटर और क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कितने की ली? तो 17 लाख रुपीज़ की हमने मशीनरी खरीदी। तो नरेशन में क्या आ जाएगा कि बीइंग मशीनरी परचेस्ड। नेक्स्ट में क्या करेंगे? अब अपनी लाइबिलिटी कम करेंगे, उसको पे करेंगे बैंक के थ्रू। तो लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट, बैंक मेरा एसेट है, अगर मैं एसेट बैंक के थ्रू पे कर रही हूँ तो अपने एसेट को कम कर रही हूँ, कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए दे रहे हैं? पूरे अमाउंट का 20% हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, यानी कि 3,40,000 रुपये हम लोग बैंक के थ्रू दे रहे हैं। तो बीइंग मोना लिमिटेड पेड बाय चेक, है ना। तो इस बार बस डिफरेंस क्या था, ये अमाउंट हमें खुद निकालना था, जो कि बहुत ही बच्चों वाली बात थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब बाकी भी मुझे मोना लिमिटेड को पे करना है, अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करनी है, तो वो मैं कैसे पे कर रही हूँ स्टूडेंट? इक्विटी शेयर्स इशू करके, और वो भी प्रीमियम पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखो अब कितने पैसे देने हैं, 17 लाख में से 3,40,000 तो मैंने दे दिए, तो अब मुझे 13,60,000 रुपये देने हैं, ठीक है, और वो भी प्रीमियम पे देने हैं। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। तो 13,60,000 रुपये मुझे देने हैं, और इशू प्राइस कितना है स्टूडेंट? तो इशू प्राइस है देखो 100 रुपये प्लस 25 रुपये का प्रीमियम, यानी कि अगर मैं 13,60,000 रुपये को 125 से डिवाइड करती हूँ, इसका मतलब मुझे 10,880 शेयर्स जो है वो क्या करने हैं? इशू करने हैं। तो कुछ भी नया है ही नहीं, तो मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि आपको इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली है। तो 10,880 शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू, और 10,880 का कितने रुपए का प्रीमियम? 25 रुपए का प्रीमियम। तो यहाँ आ गया 10,88,000, और यहाँ आ गया 2,72,000। तो बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, और जो भी रीजनिंग मैं दे रही हूँ, क्योंकि तो मैं एक ही रीजनिंग है हालांकि, पर मैं उसको हर क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ ताकि वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो को देखिए और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं एक ही रीजनिंग है और वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पर उसका फ़ायदा किसी और को नहीं, आपको ही देखने को मिलने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें हमें क्या बोला है कि जो भूषण लैंप लिमिटेड है उसने इशू किए हैं कितने शेयर? 30,000। ओके, 30,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट। ठीक है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स इस बार देखो क्वेश्चन में क्या कर दिए, बता दिए, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन में क्लियर कर दिए हैं, जो कि कितने हैं? 30,000। 100 रुपये के एसेट्स हमें बता दिए कि ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज़ हैं, इसीलिए हमने उसको शेयर्स इशू करें। तो चलिए जो जो लिखा है बस वो लिखते जाओ। सबसे पहले प्लांट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है तो डेबिट होंगे कितने रुपये का? 7 लाख, ये फर्स्ट है। देन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये भी एसेट है तो डेबिट 12 लाख रुपए। ओके, देन स्टॉक अकाउंट डेबिट, ओके कितने रुपए? 9 लाख रुपए। इसके अलावा देखो, पहले आप सब कुछ देखिए, जो क्वेश्चन में जो जो लिखा है मैं बस वैसे लिखती जा रही हूँ। प्लांट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, स्टॉक आ गया, देन आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए हैं तो कितने रुपए के लिए हैं? 2 लाख रुपए के लिए हैं। उसके बाद अब देखो, इशू किए हैं भूषण लिमिटेड ने, और किसके लिए करे हैं? शर्मा इन कंपनी के लिए। इट मीन शर्मा इन कंपनी हमारी लाइबिलिटी है ना, तो यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? 30,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच थे ना, यानी कि 30 लाख रुपए का होगा ना हम लोगों का क्या परचेज कंसिडरेशन, राइट। तो परचेज कंसिडरेशन वो कभी भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं देंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर कर रहे हो इशू और जो इशू प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके वही तो पता लगेगा ना कि अगर वो पैसा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो परचेज कंसिडरेशन था। अब देखो, ये आया 32 लाख और ये आया अलग अमाउंट, तो क्या आपको ये दोनों अमाउंट आपस में मैच करते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि ये टोटल आ रहा है 28 लाख, ये आ रहा है 32 लाख, तो कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है?
4 लाख रुपीस का। इस बार कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड पे। तो जब भी डेबिट साइड पे अमाउंट कम पड़ेगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? गुडविल लिखेंगे। और यही चीज़ मैं आपको हर क्वेश्चन में समझाती आ रही थी, हालांकि उस क्वेश्चन में इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने समझाया था क्योंकि तो मैं आपको उस क्वेश्चन के लिए नहीं सिर्फ समझा रही हूँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन के लिए एक ही साथ कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। तो मैंने फिर से वही बात बोलनी है, डेबिट साइड पर छोटा पड़ जाता है तो गुडविल लिख देते हैं, और क्रेडिट साइड पर पड़ जाता है तो कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया? बीइंग बिजनेस परचेस्ड, बिजनेस परचेस कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें उन्हें पे करना है। तो मेरी लाइबिलिटी जो मैंने बनाई थी उसे मैंने ख़त्म करा डेबिट करके, और कैसे हम उनको पे कर रहे हैं? शेयर कैपिटल के थ्रू, मतलब शेयर्स इशू करके, और वो हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो 30 लाख यहाँ आ गया और 30 लाख यहाँ आ गया। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि बीइंग शेयर्स इशूड, ओके, जो कि प्रीमियम पे नहीं करे हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन 40, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500। 8,500 हम लोगों ने ड्राफ्ट इशू कर दिया उसको, जो कि 3 महीने के बाद पे होगा, और बाकी के बैलेंस के लिए हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, वो भी 10% के प्रीमियम पे। कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमने एसेट्स लिए हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए के? 7 लाख रुपए के। उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज़ ली हैं तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ओके, 2 लाख रुपए के। उसके बाद अब मेरे को उन्होंने परचेज कंसिडरेशन इस बार बता दिया है, तो अच्छी बात है। संचार लिमिटेड कितने की? 4,59,500 की। तो देखो ये आ रहा है मेरा 6,59,500 और ये है 7 लाख, मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो मैच नहीं कर रहा, तो इस बार क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है। तो अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, तो मैंने कैपिटल रिजर्व लिख दिया। और कितना अमाउंट आएगा? 4,500। जितना छोटा पड़ रहा होता है ना वही अमाउंट लेते हैं, ये बेसिकली हमारी बैलेंसिंग फिगर ही होती है। अब देखिए, उन्होंने बोला हुआ है कि हम उनको पे कर रहे हैं कैसे? 3 महीने के बाद बैंक के थ्रू पे करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे बिल रिसीवेबल या बिल पेबल नहीं होते, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 7 या 3-4 मंथ्स ये पेबल हो जाएगा, उसी सेम तरीके से यहाँ पे हम बिल पेबल लिखेंगे। देखो मैं डायरेक्टली बैंक नहीं लिख सकती क्योंकि मेरे बैंक में से अभी वो पैसा नहीं कटेगा, आफ्टर 3 मंथ्स कटेगा। इट मीन्स ये बिल पेबल है, कटेगा जरूर पैसा पर आज नहीं 3 महीने बाद कटेगा। तो बैंक तब लिखेंगे जब 3 महीने बाद एंट्री करेंगे, आज की डेट में बिल पेबल लिखेंगे क्योंकि अभी मेरे बैंक में से पैसा नहीं कटा। अगर ये बात समझ आ गई तो इस चीज़ का रीज़न समझ आ गया, और कभी नहीं भूलोगे कि बिल पेबल क्यों आया और बैंक क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बोला है पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, तो मेरे बैंक में से आज नहीं कटा है, 3 महीने के बाद कटेगा, तो आज मैं यह बैंक नहीं लिख सकती। समझ में आया? 8,500 ये कैसे पता लगा? ये क्वेश्चन में गिवन था। तो बीइंग बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया ना उसने, तो बिल पेबल एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। अब देखिए लास्ट में हमें करनी है शेयर्स इशू करने की एंट्री। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए हैं कि कितने इशू करने हैं? तो नहीं बताए हुए। तो देखो परचेज कंसिडरेशन कितने की थी? इस अमाउंट की, जिसमें से इतना मैंने बिल पेबल के थ्रू पे कर दिया। और प्राइस कितना था स्टूडेंट? देखिए प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राइस है 10 रुपये का और 10% का प्रीमियम। अब देखो 10 का ही अगर आप 10% कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपीस। अब वही मैंने 1 लिखा है, तो देखिए ये कितना हो गया? 4,51,000 by 11। तो देखिए अगर हम इसको कट करते हैं, देखिए अब आपको यूँ ही नॉर्मली करना आना चाहिए, राइट। तो 41,000 शेयर्स मेरे निकल के आ गए, राइट। चलिए अब हम वही करेंगे स्टूडेंट। अब मुझे संचार लिमिटेड को पे करना है, अपनी लाइबिलिटी को कम करना है। तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट कर दिया। कैसे पे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स इशू करके, और वो भी प्रीमियम पे। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखो 4,51,000 हमें देने हैं, मतलब देखो जो परचेज कंसिडरेशन थी वो तो इतने की थी, बट 8,500 हमने पे कर दिया, तो बाकी का पैसा देना है। कैसे देंगे? 41,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू और 1 रुपये का प्रीमियम, यानी कि 4,10,000 रुपये यहाँ से आ गए और 41,000 यहाँ से आ गए। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग 41,000 शेयर्स इशू डैट प्रीमियम, राइट।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.